हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सहजन और आलू की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे कटिंग कर लेंगे। फिर गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें तेल डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसमें हम आलू डाल देंगे, आलू फिर साथ में सहजन भी डाल देंगे। इसे भी फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करके देखिए मैंने निकाल लिया। फिर इसमें मेथी, जीरा और हींग डाल देंगे। इसमें मेथी ज़रूर डाल लें, इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। फिर इसमें सूखी लाल मिर्च और एक तेज़पात डाल देंगे। फिर बारीक कटे हुए इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमें गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए, फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, दरदरी कुटी हुई, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। फिर इससे में डाल देंगे हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, एक चम्मच डाल देंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे दो टमाटर बारीक कटे हुए, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे कवर करके पकाएंगे, मसाले जल्दी से पक जाएंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, साइड से तेल भी छोड़ दिया है। इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू और इसे भी मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ इसे भी भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो देखिए अच्छे से भून लिया। फिर इसमें पानी डाल देंगे, पानी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको ग्रेवी रखनी हो। फिर इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम कवर करके 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और चेक कर लेते हैं, तो देखिए आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।